बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के थर्ड ग्रुप की, विच इज अ रिलेशनल ऑपरेटर की डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? दोस्तों, किसी भी दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशन को चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लें ये दो बॉक्सेस आपके सामने मौजूद हैं, तो अगर आप इन दोनों बॉक्सेस में से ये देखना चाहते हैं कि कौन सा बॉक्स बड़ा है और कौन सा बॉक्स छोटा है, तो यहाँ दरअसल आप इन दोनों बॉक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं कि आया बॉक्स वन बड़ा है बॉक्स टू से। तो इस कंपैरिजन को सी लैंग्वेज में परफॉर्म करवाया जाता है इन रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। और दोस्तों, यहाँ आपको स्क्रीन पर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स नजर आ रहे होंगे। ग्रेटर देन, greater than equals to, less than equals to and not equals to। Dear friends, ये वो तमाम operators हैं जो के relational operator की category में इस्तेमाल किए जाते हैं। और याद रखिए, ये जितने भी relational operators आपको नजर आ रहे हैं, इनकी priority arithmetic operators से कम होती है। लेकिन अगर आप इन operators को आपस में देखें, तो जो first four operators हैं, less than, greater than, less than equals to और greater than equals to, इनकी प्रायोरिटी हाई होती है ये लास्ट टू जो ऑपरेटर्स हैं इनसे। यानी ये जो तमाम ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी हाई होती है। आप यहाँ पर प्रायोरिटी में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर वन लिखा हुआ है, और ये जो दो आखिर के ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रायोरिटी ऊपर वाले ऑपरेटर्स की नस्बत कम होती है। जैसे मान लें एक एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज हुआ है, तो पहले आप प्लस को सॉल्व करेंगे जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी यहाँ सबसे ज्यादा हाई है, फिर लेस देन इक्वल्स टू जिसकी प्रायोरिटी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आती है, और आखिर में नॉट इक्वल्स टू को। अब आइए देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम ऑपरेटर्स हमेशा किसी दो ऑपरेंड्स के दरमियान के रिलेशन ही चेक करेंगे। इसीलिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनके लिए दो ऑपरेंड्स का होना लाजमी ही होता है। अब यहाँ वो दो ऑपरेंड्स कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे आप लिखते हैं 4 is less than 5, तो यहाँ लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर है और 4 और 5 दोनों कांस्टेंट हैं। अब ये लेस देन को ऑपरेटर, ये लेस देन का ऑपरेटर यहाँ क्या करेगा? दोस्तों, ये चेक करेगा कि क्या 4 छोटा है 5 से। और याद रखिए, आप कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे तो तमाम रिलेशनल ऑपरेटर या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स, यानी वो जो कंडीशन आपने लगाई है, जो भी कंडीशन आपने लगाई है, वो अगर वो कंडीशन सही होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू, और अगर वो कंडीशन सही नहीं होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ट्रू से मुराद क्या है? ट्रू से मुराद है कि आपका जो कंपाइलर है वो आपको 1 रिटर्न करेगा, और फॉल्स से मुराद है कि आपका कंपाइलर आपको 0 रिटर्न करेगा। अभी हम इसके जो प्रोग्राम भी सॉल्व करेंगे तो आप वहां देखेंगे कि जो कंपाइलर है वो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि ट्रू की जगह 1 और फॉल्स की जगह आपको 0 रिजल्ट में देगा। जैसे अभी हमने एक कंडीशन यूज की है 4 is less than 5, यहाँ आपको स्क्रीन पर भी वो कंडीशन नजर आ रही है। अब कंपाइलर चेक करेगा कि क्या 4 छोटा है 5 से, और अगर अब ये कंडीशन सही होगी तो कंपाइलर आपको रिजल्ट देगा 1 यानी ट्रू, और अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी, यानी अगर 4 छोटा नहीं होगा 5 से, तो फिर आपको कंपाइलर रिजल्ट देगा 0 यानी फॉल्स। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, 0 आना चाहिए या फिर 1? तो दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, यहाँ रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 4 है, जो नंबर 4 है, वो हमेशा छोटा होता है 5 से, वो हमेशा 5 से पहले आता है। इसीलिए ये जो है 4 छोटा है 5 से, इसीलिए ये कंडीशन जो है वो सही है। तो अब कंपाइलर आपको रिजल्ट देगा 1। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, अगर कंडीशन सही होगी तो आंसर 1 आएगा, वरना 0 आएगा। अब आइए इन तमाम ऑपरेटर्स को बारी बारी प्रोग्रामेटिकली देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान तमाम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, यानी हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर अभी जो हमने तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, तो इन तमाम रिलेशनल ऑपरेटर को हम आपको इस प्रोग्राम में यूज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम दो ऑपरेंड्स ले लेते हैं, और वो ऑपरेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप के, एक में वैल्यू स्टोर करवाएंगे 2 और दूसरे में वैल्यू स्टोर करवाएंगे 4। ये देखिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, जिसमें हमने 2 और 4 वैल्यू स्टोर करवा दिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स को लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक प्रिंटएफ का फंक्शन लेंगे और उसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, पहली कंडीशन यानी लेस देन ऑपरेटर को यूज करते हुए, और वो कंडीशन है कि क्या ए जो है वो छोटा है बी से। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ 2 ही रिजल्ट फराहम कर सकती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आएगा 1, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो रिजल्ट आएगा 0। तो दोस्तों रिजल्ट को भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होगा, कहीं ना कहीं दिखाना होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे परसेंट डी का, क्योंकि 1 और 0 दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं। तो इंटीजर वैल्यूज को फॉर्मेट, इंटीजर वैल्यूज के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया जाता है वो है परसेंट डी। अब दोस्तों आप ये मुझे सोच के बताएं कि आपका जहन क्या बोलता है कि इस कंडीशन में रिजल्ट क्या आना चाहिए, कि यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा 2 और बी की जगह आ जाएगा 4। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि क्या 2 जो है वो छोटा है 4 से? जी हाँ, 2 जो है वो छोटा है 4 से। तो अब जो है यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। आइए देखते हैं कि कंपाइलर क्या प्रिंट करता है। दोस्तों ये मैं कंपाइल और रन कर रही हूँ, और यहाँ पर क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है तो यहाँ पर एरर आ गया है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला है 1, विच मीन्स कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा आपका रिजल्ट जो है वो 1 ही आएगा। अब इसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसको हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी लिख दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर लेस देन के को हटाकर लिख देंगे ग्रेटर देन। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो बड़ा है 4 से। तो आप मुझे बताइए कि क्या 2 बड़ा है 4 से? जी नहीं, 2 तो छोटा है 4 से, इसीलिए ये कंडीशन पॉज हो जाएगी और यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा 0। अब आइए इसको कंट्रोल एस करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, और ये देखिए आपका जो सेकेंड लाइन के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ रहा है विच इज 0। इसी तरीके से दोस्तों जो तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है वो है लेस देन इक्वल्स टू का। अब दोस्तों ये जो ऑपरेटर है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, पहला लेस देन का और दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो दोस्तों 2 ऑपरेटर्स के वजह से यहाँ पर पहला ऑपरेटर ये चेक करेगा कि क्या ए जो है वो छोटा है बी से। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये इक्वल्स टू का चेक करेगा कि क्या ए जो है वो बराबर है बी के। और याद रखिए अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको रिजल्ट में 1 ही मिलेगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं कि ए बी से छोटा भी नहीं है और ए बी के बराबर भी नहीं है, तब आपको रिजल्ट में मिलेगा 0। अब यहाँ पर चेक कीजिए, मुझे ये बताइए कि क्या ए जो है वो छोटा है बी से, यानी क्या 2 जो है वो छोटा है 4 से? जी हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 1। ये मैंने कंट्रोल एस किया और ये आप देखिए दोस्तों आपको रिजल्ट में आ गया है 1, विच मीन्स कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। इसी तरीके से दोस्तों लेस देन के बाद जो हमारे पास चौथा ऑपरेटर यूज किया जाता है वो कहलाता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी किया। अब यहाँ पर हम सिंपल लेस देन की जगह लगा देंगे ग्रेटर देन। यहाँ पर भी वही काम होगा, पहले ये चेक करेगा कि क्या ए बड़ा है बी से। तो यहाँ पर ए है 2 और बी है 4, तो दोस्तों ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या ए जो है वो बराबर है बी के। तो आप जानते हैं ए के अंदर वैल्यू है 2 और बी के अंदर वैल्यू है 4, जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑपरेटर्स का रिजल्ट 0 मिल रहा है, दोनों ऑपरेटर्स की कंडीशन गलत आ रही है, यानी इसीलिए यहाँ पर आपको रिजल्ट में मिलेगा 0। मैंने कंट्रोल एस किया और ये आप देखिए
यहाँ पर आपको चौथी जो स्टेटमेंट नजर आ रही है इसका आंसर आया है जीरो। दोस्तों इसी तरीके से जो हमारे पास छठा ऑपरेटर पांचवा ऑपरेटर यूज किया जाता है वो है इक्वल्स टू। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इक्वल्स टू का जो लफ्ज है ये आपके लिए नया नहीं है, हम पहले भी इक्वल्स टू का साइन जो है वो लगाते आए हैं, लेकिन ये जो हम सिंगल इक्वल्स लगाते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए लगाते हैं, जबकि ये जो डबल इक्वल्स टू का साइन है ये हम इसलिए लगाते हैं कि हम चेक करते हैं कि क्या जो पहला नंबर है, क्या जो पहला वेरिएबल है ये बराबर है दूसरे वेरिएबल के। तो याद रखिए अगर आप दो ऑपरेंड्स के दरमियान सिंगल इक्वल्स टू लगाते हैं तो ये असाइन करेगा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन अगर आप डबल इक्वल्स टू लगाते हैं तो ये चेक करेगा, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि क्या ये जो दोनों ऑपरेंड्स हैं ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या टू जो है वो फोर के बराबर है, क्योंकि टू फोर के बराबर नहीं है इसीलिए यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट आया है जीरो। इसके बाद जो लास्ट ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो है नॉट इक्वल्स टू। दोस्तों याद रखिए नॉट इक्वल्स टू जब कभी भी आप दो वैल्यूज के लिए ये चेक करते हैं कि आया ये दो ऑपरेंड्स, ये दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर वो आपको वन रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ए के ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर साइन हटाया और नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। अब दोस्तों ये चेक करेगा कि क्या टू जो है वो फोर के बराबर नहीं है, तो आप बताइए कि क्या टू फोर के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया और ये रिजल्ट में आप देखिए आपको मिला है वन, यानी क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई है इसीलिए इसने रिटर्न किया है वन। इस तरीके से ये तमाम ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। दोस्तों अभी जो हमने तमाम एक्सप्रेशन देखी है उसमें हमने दो सेम टाइप के वेरिएबल्स को ही, यानी दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ही कंपेयर करवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है आप सेम टाइप के वेरिएबल्स को ही कंपेयर करवा सकते हैं, नहीं, आप दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को भी कंपेयर करवा सकते हैं। कैसे, आइए हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं अलग अलग डेटा टाइप के। पहला वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 7। दूसरा वेरिएबल है फ्लोट टाइप का जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 5.5। और तीसरा वेरिएबल है करेक्टर टाइप का जिसके अंदर हमने करेक्टर डब्ल्यू को स्टोर करवाया है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कंपेयर ऑपरेंड्स की डेटा टाइप सेम होना जरूरी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो इंटीजर टाइप वैल्यूज को ही आपस में कंपेयर करवा सकते हैं या फिर दो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स को ही आपस में कंपेयर करवा सकते हैं, बल्कि आप दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं, आपस में उनके रिलेशनल ऑपरेटर लगा सकते हैं। कैसे, आप इस एक्सप्रेशन में देखिए। दोस्तों यहाँ हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है I is less than f, और जो भी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर पर्सन डी में इसका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सही होगी तो रिजल्ट में 1 आ जाएगा, वरना यहाँ पर आपको 0 शो हो जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो असल चीज है वो गौर करने की वो ये है कि यहाँ पर I एक अलग टाइप का है जो कि इंटीजर टाइप का है और f एक अलग डेटा टाइप का है यानी फ्लोट डेटा टाइप का है, और अब इन दोनों के दरमियान आपने एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है, विच मींस कि आप दो अलग अलग टाइप के ऑपरेंड्स के दरमियान कंपैरिजन करवा सकते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप का सेम होना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आई के अंदर मौजूद है वैल्यू 7, यहाँ पर 7 वैल्यू आ जाएगी और एफ के अंदर वैल्यू मौजूद है 5.5, और अब आपका कंपाइलर चेक करेगा कि क्या 7 छोटा है 5.5 से। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 7 5.5 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 0। अब इसको हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इसको कंपाइल और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिला है 0। तो डियर फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि अगर एक जगह पर एक ऑपरेंड में इंटीजर हो और दूसरे ऑपरेंड में फ्लोट हो तो यहाँ पर किस तरह से कंपैरिजन होगा, लेकिन दोस्तों आप करेक्टर डेटा टाइप के दरमियान भी कंपैरिजन करवा सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है सी
equals to 119। अब आप सोच रहे होंगे कि C के अंदर तो W है, जबकि यहाँ पर हम इस W को कंपेयर करवा रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू से, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों जब कभी भी इस तरह की कंडीशन होती है, विच मीन्स के आप इस W के पीछे जो ASCII कोड है आप उसको कंपेयर करवा रहे हैं, तो अब क्या होगा दोस्तों, जो भी W का ASCII कोड होगा उसके टेबल में वो यहाँ पर कंपेयर होगा, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या जो इसका ASCII कोड है जो कि है 119, क्या वो बराबर है 119। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होने की वजह से यहाँ पर रिजल्ट आपको शो होगा 1। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको रिजल्ट मिल गया है 1, विच मीन्स जब कभी भी रिलेशनल ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई करेक्टर वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पर कोई इंटीजर वैल्यू है, तो अब आप यहाँ पर उस करेक्टर की ASCII कोड को कंपेयर करवाने जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो थर्ड सिनेरियो है वो है कि क्या आप करेक्टर के अंदर जो अल्फाबेट है, यानी इस अल्फाबेट को अल्फाबेट से कंपेयर करवा सकते हैं, यानी करेक्टर को करेक्टर डेटा टाइप से कंपेयर करवा सकते हैं। तो उसकी एक्सप्रेशन देखिए दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में हमने लिखा है C जो कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक अल्फाबेट स्टोर है W, इज नॉट इक्वल्स टू अल्फाबेट P। तो यहाँ पर हम दो अल्फाबेट्स को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं, और उन दोनों अल्फाबेट्स की जो टाइप है वो है करेक्टर। तो दोस्तों अब हम दो करेक्टर को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं कि क्या W जो है वो बराबर नहीं है P के, तो ये एक्सप्रेशन सही होगी, इसका रिजल्ट ट्रू होगा क्योंकि W P के बराबर नहीं है। और जब आप जानते हैं कि जब किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी जब कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये थर्ड पे आपको नजर आ रहा है रिजल्ट 1, यानी यहाँ पर जो है आपकी एक्सप्रेशन क्योंकि ट्रू हुई है इसीलिए आपको रिजल्ट मिला है 1। तो दोस्तों यहाँ बताने की जो बात थी वो ये थी कि आप किसी भी दो अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर उसको कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद आपको रिजल्ट भी प्रदान करेगा। दोस्तों यहाँ तक आपने ये तो देख लिया कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आप उनको प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स मौजूद हैं, अगर एक एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक ऑपरेटर भी मौजूद हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, लो प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू भी मौजूद है, और इस तरह से हाई प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू मौजूद है, तो फिर आपका कंपाइलर उसको किस तरह से कंपाइल करेगा, आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप के, आई, जे और के, और उनमें ये तमाम वैल्यूज 7, 9 और 3 स्टोर करवा दी है। अब हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है, एक कंडीशन लिखी है कि क्या आई छोटा है, यानी आई इज लेस देन जे, यानी क्या आई छोटा है जे से, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आना है, यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या 7 जो है वो छोटा है 9 से, तो यहाँ पर इसको कंडीशन 2 मिलेगी, तो आपको रिजल्ट शो होगा 1। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिला है 1। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर इस तरह से कर देती हूँ, आई इज लेस देन जे एंड जे इज लेस देन के, तो अब आपका कंपाइलर किस तरह से कंपाइल करेगा, कि यहाँ पर दो लेस देन ऑपरेटर नजर आ रहे हैं। तो याद रखिए जब कभी भी सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं, सेम प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में यूज किए जाएंगे, तो कंपाइलर लेफ्ट टू राइट कंपाइल करेगा, यानी लेफ्ट वाले ऑपरेटर को पहले कंपाइल करेगा और राइट वाले ऑपरेटर को बाद में। तो दोस्तों अगर हम इसको खुद से सॉल्व करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, हम लिखते हैं आई इज लेस देन जे इज लेस देन के। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, विच इज आई इज लेस देन जे, आई के अंदर मौजूद है 7 और जे के अंदर मौजूद है 9। तो डियर फ्रेंड्स अब ये चेक करेगा कि क्या 7 जो है वो 9 से छोटा है, तो यहाँ पर रिजल्ट 7 या 9 नहीं आने वाला यहाँ पर, क्योंकि ये कंडीशन है और कंडीशन या तो 2 रिटर्न करती है यानी 1 रिटर्न करती है या फिर फॉल्स रिटर्न करती है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको 1 मिलेगा, और ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 7 जो है वो 9 से छोटा है। तो दोस्तों अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा इस कंडीशन का वो मिलेगा 1। अब यहाँ पर ये इस पूरे की जगह यानी आई इज लेस देन जे की जगह आ जाएगा 1,
और इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है दोबारा से लेस देन का, उसके बाद है की। तो अब ये चेक करेगा कि क्या वन जो है वो छोटा है के से, और के अंदर वैल्यू मौजूद है थ्री। अब ये चेक करेगा कि क्या वन जो है वो छोटा है थ्री से। दोस्तों यहाँ पर इसको रिजल्ट मिलेगा ट्रू, क्योंकि वन जो है वो थ्री से छोटा है, इसीलिए कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब आपका इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वन। तो आइए देखते हैं कि क्या जो हमने यहाँ पर अपने दिमाग में कंपाइल किया है, क्या कंपाइलर भी उसी को फॉलो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है वन, विच मीन्स कि जब कभी भी इस तरह से होगा कि आपकी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर्स लगे हुए होंगे, सेम प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर लगे हुए होंगे, तो कंपाइलर लेफ्ट टू राइट उनको कंपाइल करेगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ और एक्सप्रेशन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है, आई प्लस वन इक्वल टू जे इज लेस देन के मल्टीप्लाई बाय टू। अब हम इसका रिजल्ट मालूम करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज किए गए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किए गए हैं, लो प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किए गए हैं, और हाई प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किए गए हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटी होती है वो होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर आपको दो अर्थमेटिक ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई और प्लस। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमने ये देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की प्रायोरिटी हाई होती है, जबकि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी लो होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा आप इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह वो लिख देंगे। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे इस प्लस वाली एक्सप्रेशन को, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर में वो आती है प्लस की। अब दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने सॉल्व कर लिए, इसके बाद बारी आती है इस रिलेशनल ऑपरेटर की, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू। तो याद रखिए, इक्वल्स टू की और नॉट इक्वल्स टू की प्रायोरिटी लो होती है, जबकि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू की प्रायोरिटी हाई होती है। तो यहाँ पर हम पहले इस लेस देन को सॉल्व करेंगे और सबसे आखिर में इस इक्वल्स टू के ऑपरेटर को। तो आइए इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि सबसे पहली जो हाई प्रायोरिटी है वो है मल्टीप्लाई की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूरी एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर अभी कोई चेंजिंग नहीं करनी। और अब हम सॉल्व करेंगे इसके मल्टीप्लाई बाय 2 को। तो आप जानते हैं के अंदर वैल्यू है 3, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 6। अब इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह हमने 6 लिख दिया है। अब बारी आती है इस प्लस ऑपरेटर की, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है वो है प्लस। तो मल्टीप्लाई के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है प्लस की। इसके बाद दोस्तों हम इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी आई प्लस वन करवाएंगे। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, और इसको अब सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू है 7, और यहाँ पर हम जब इसका 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, 1 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी 8। अब ये कंपेयर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑपरेटर्स मौजूद हैं, इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पर ये चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। दोस्तों लेस देन की प्रायोरिटी हाई है, तो इसीलिए अब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 8 एज इट इज लिख देंगे, ये हमने लिख दिया है 8, और इक्वल्स टू भी एज इट इज लिख दिया है। अब हम इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जे की वैल्यू है 9। अब ये चेक करेगा कि क्या 9 जो है वो छोटा है 6 से। तो आप जानते हैं कि 9 तो 6 से बड़ा है, विच मीन्स कि आपकी ये जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो गई है, ये गलत हो गई है। तो जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलता है 0। अब दोस्तों आपके पास तमाम ऑपरेटर्स खत्म हो चुके हैं, अब लास्ट ऑपरेटर है इक्वल्स टू का। अब ये चेक करेगा कि क्या जो ये 8 है ये बराबर है 0 के। तो दोस्तों 8 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए जब भी कंडीशन यानी रिलेशनल ऑपरेटर आप लगाते हैं तो उसकी कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो रिजल्ट में मिलेगा 1, और फॉल्स होगी तो रिजल्ट में मिलेगा 0, क्योंकि अभी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है। तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास आएगा 0। अब दोस्तों आइए इसको कंपाइलर के थ्रू देखते हैं, हमने तो इसको सॉल्व कर लिया। और ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आया है 0। तो इस तरीके से जब कभी भी
आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर भी मौजूद हो एक एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी मौजूद हो और असाइनमेंट ऑपरेटर भी मौजूद हो, तो आप सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी आप उसकी प्रायोरिटी देखेंगे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की प्रायोरिटी हाई है तो पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, देन प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। जब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व हो जाएंगे फिर बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर में भी आप इसी तरीके से देखेंगे कि अगर किसी ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो आप इनको पहले सॉल्व करेंगे और इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू को बाद में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि अगर एक एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर मौजूद है, जैसे कि इक्वल्स टू भी मौजूद है और नॉट इक्वल्स टू भी मौजूद है, तो फिर आप एसोसिएटिविटी के तहत लेफ्ट टू राइट अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, इसकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया ऑपरेटर विच इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।